एक कमरा, पांच लोग और एक सनसनीखेज मर्डर। जयपुर में हुए इस हत्याकांड की पूरे देश में चर्चा चल रही है। मंगलवार दोपहर 1 बजे तीन लोग सुखदेव सिंह गोगामेडी की ऑफिस में आते हैं और 10 मिनट की बातचीत के बाद दो लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और इस मर्डर के सीसीटीवी ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। ताबड़तोड़ फायरिंग में पहली गोली सुखदेव सिंह गोगामेडी के सीने में लगी, दूसरी गोली पास में बैठे साथी को मारी गई और तीसरी गोली गोगामेडी के कमरे से भागते हुए एक गार्ड को मारी गई। गोगामेडी के जमीन पर गिर जाने के बाद भी हमलावर पास में जाकर गोली मारता ही रहता है क्योंकि वो किसी भी हाल में जिंदा न रहे। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णसेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने के लिए हमलावरों ने ताबड़तोड़ 17 राउंड फायर किए। उन्हीं की ऑफिस में दो दो सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में उन्हीं को मारा गया। ताबड़तोड़ फायरिंग में पहली गोली सीने में लगने के बाद एक साथ कई सारी गोलियां मारी जाती है। इस वारदात के दौरान गोगामेडी का एक गनमैन उसी कमरे में मौजूद था और हमलावर ने उसी गनमैन को एक गोली भी मारी और जमीन पर गिर जाने के बाद कई सारी गोलियां भी मारी जाती है। सवाल यह है कि दो दो बॉडीगार्ड की मौजूदगी में भी ये मर्डर कैसे हुआ? घर के बाहर तैनात दो दो बॉडीगार्ड आखिरकार क्यों कुछ नहीं कर पाए? आखिरकार हमलावर घर में कैसे घुसे और उनकी जांच क्यों नहीं करी गई? जब चार चार लोगों के साथ गोगामेडी बैठा था तब वो किसी फोन पर बात कर रहा था। उसको अंदाजा भी नहीं था कि उसके सामने बैठे दो लोग उनकी जान लेने वाले हैं। गोली चलाने से करीब 20 सेकंड पहले हमलावर एक दूसरे को आंखों से इशारा करते हैं, तभी गोगामेडी फोन देखता है और पास में बैठा साथी भी फोन देखता है। दोनों फोन देख ही रहे थे और मौका देखते ही हमलावर बंदूक निकालता है और गोगामेडी का काम तमाम कर देता है। पहली गोली सीने में लगाता है और दूसरी गोली पेट में और तीसरी सिर पर गोली लगती है। फायरिंग का आवाज सुनते ही दोनों गार्ड एक्शन में आते हैं लेकिन ज्यादा राउंड फायर होने के कारण वो डर से भाग जाते हैं और उनमें से एक हमलावर वहीं पर मर जाता है और बाकी के दो हमलावर गोली चलाते चलाते वहां से भाग जाते हैं। दरअसल ये हमलावर गोगामेडी के घर पर नवीन सिंह शेखावत के साथ आए थे। जब हमलावर फायरिंग शुरू करते हैं तब नवीन सिंह शेखावत रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन हमलावर रुकते नहीं हैं और फायरिंग चालू रखते हैं और दोस्तों इसी फायरिंग में गोगामेडी को जान से मार देते हैं और साथ में ही एक हमलावर मर जाता है और एक बॉडीगार्ड को भी गोली लगती है। बताया जाता है कि नवीन सिंह शेखावत सुखदेव सिंह गोगामेडी का परिचित था। दोनों हमलावर नवीन सिंह शेखावत की काली स्कॉर्पियो में आए थे और वापस जाते वक्त एक स्कूटी वाले को गोली मारते हैं और उसको गिरा देते हैं और उसी की स्कूटी लेकर वहां से भाग जाते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है और अभी तक आखिरकार क्यों सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करी गई है इसकी असली वजह पता नहीं चल पाई है। तो दोस्तों मैं अपने अगले वीडियो में इस केस के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करने वाला हूं, फुल प्रूफ के साथ मैं आपको वीडियो शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने आखिरकार क्यों हत्या करी है, आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।